एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग गाइस। मैं पूनम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने डेली रूटीन ब्लॉग में। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई थिंक आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ एंड मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, अभी सफ़र से आई हूँ तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थकान फील कर रही हूँ अभी मॉर्निंग में। रामनगर वेकेशन पे हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं और अभी 6:30 बज गए हैं। हम लोग सो के उठ गए हैं सभी और यशवी अभी भी सो रही है। ये देखो अंदर सो रही है अभी। जब कहीं बाहर जाते हैं ना गाइस बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और हालत खराब हो जाती है। और कल एक हादसा हो गया था, मैंने उसकी वीडियो नहीं शूट की थी क्योंकि लोग सोचते हैं यह इतना बड़ा हादसा हो गया और इन्हें वीडियो शूट करने की पड़ी है, इसलिए मैंने वीडियो शूट नहीं की थी। तो मैं बताऊंगी आपको आराम से। एक्सीडेंट हो गया था, बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है कल अंजुम मैम के साथ। जो अंजुम मैम आपने मेरे वीडियो में देखी होगी कई बार, तो उनका एक्सीडेंट हो गया था लेकिन वो बाल बाल बचे हैं। गाड़ी का बुरा हाल हो गया है, बाकी सब सही सलामत आ गए हैं घर पर। ये बहुत भगवान की कृपा रही है। तो चलिए ये चीज़ मैं बताऊंगी आपको बाद में। अब मैं करती हूँ घर की साफ़ सफाई क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। जितने लेट काम करूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। साफ़ सफाई का जो काम है वो सुबह सुबह हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो काफ़ी लेट हो चुका है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, और मेरा ना सफ़र में पानी भी पूरा नहीं हुआ है शरीर का, तो बहुत ज़्यादा वीकनेस भी हो रही है, थकान बहुत ज़्यादा हो रही है। पूरे घर में धूल मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई है क्योंकि कल शाम को आंधी आई थी। तो जो मेरा बाहर का मेरे फ्लैट का दरवाज़ा है वो नीचे से खुला है यानी जाली वाला है, तो बहुत ज़्यादा ना धूल वगैरह मिट्टी आ जाती है अंदर, और ऐसे ही बहुत ज़्यादा धूल हुई है अंदर। और मैं उसको अब धुलाई उलाई करूँगी तो सबसे पहले मैंने पानी वानी पी लिया है और बालों का जूड़ा बना लिया है ऊपर को, और अब पूरे घर की हम लोग धुलाई करेंगे, साफ़ सफ़ाई करेंगे, पूरी किचन को भी धोना है। और लड्डू मेरा घर ही था तो इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा लाल लड़ा रही हूँ क्योंकि सारे घर का इसी ने ध्यान रखा है घर पर। तो थक गया होगा इसलिए थोड़े हाथ पाँव भी मैंने उसके दबा दिए हैं ताकि वो अच्छा सा फील करें। और जो चादर थी बेड पे तो उस पर भी बहुत ज़्यादा धूल थी तो उसको भी मैंने हटा दिया है, और इस बेड पे मैं दूसरी चादर बिछा दूँगी। और जो धूल वगैरह बहुत ज़्यादा है तो वो कपड़े से सारी साफ़ हो जाएगी। और लड्डू गोपाल खेल रहा है अपनी गाय के साथ, तो उसको गाय लेकर आई हैं जब से, वो बहुत ज़्यादा खुश है। तो खुश रहता है। और ये जो चादर मैंने यहाँ पे चेंज कर दी है और पूरे बेड की भी धूल वगैरह झाड़ दी है, और जो ऊपर को वो जो हार्ट शेप में कुशन टंग रहे हैं ना ऊपर को, तो उन पे भी बहुत ज़्यादा धूल वगैरह हो गई है। धूल मिट्टी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है घर में, तो बिल्कुल नहीं। और 2 दिन के लिए कहीं चले जाओ ना तो ऐसा लगता है कि हम कितने दिन से हमने अपने घर की साफ़ सफ़ाई नहीं की, इसीलिए मैं कहीं जाना पसंद नहीं करती हूँ। लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही क्योंकि मैं एक कोच हूँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं मैं एक फ़िटनेस कोच हूँ। लोगों का वेट लॉस करने में, वेट गेन करने में उनकी हेल्प करती हूँ, डाइट प्लान बनाकर देती हूँ। अगर आपको डाइट प्लान चाहिए या वेट लॉस करना है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चादर भी चेंज कर दी है, साफ़ सफ़ाई कर दी है, सारी धूल वगैरह झाड़ दी है अंदर की, और जो थोड़ा बहुत कूड़ा और था वो भी निकाल के बाहर कर दिया है। और बेड के नीचे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी, और जो बच्चे पेंसिल वगैरह छीलते हैं ना तो वो उड़ के बेड के नीचे चला जाता है, तो वो भी पानी से निकलेगा, उधर पानी डाल के तभी निकालूंगी। उससे पहले यहाँ पर मैंने सोचा चलो मशीन लगा देते हैं पहले पानी भर के, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हैं। 2 दिन का वेकेशन था तो जितने भी कपड़े थे वो आज सारे धो दूंगी, और मुझे लग रहा है आज पूरा दिन ही हो जाएगा मुझे कपड़े धोने में, फिर उनको फोल्ड करके रखने में, सुखा सुखा के सारे अंदर फोल्ड करके रखने भी हैं। और किचन पे बहुत ज़्यादा धूल हो गई है, फ्रिज पे धूल हो गई है, सारे में धूल ही धूल है। बस बहुत गंदा लग रहा था घर में जब शाम को आई थी तो मैं, तो इसीलिए लग गई हूँ अब अकेली। तो वेकेशन पर जितने भी कपड़े गंदे हुए थे वो भी डाल दिए हैं, कुछ कपड़े घर के भी थे जो हम लोग चेंज करके मॉर्निंग में गए थे,
तो बस थोड़ा थोड़ा निकाल के मतलब दो दो बार घुमाऊंगी इनको और डाल दूंगी। और कुछ कपड़े ऐसे हैं जो हाथ से धोने के हैं तो उनको हाथों से मैं क्लीन कर दूंगी। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रहे हैं और अभी नाश्ता वगैरह मैंने कुछ नहीं बनाया था, तो दूध पड़ा हुआ था फ्रिज में तो बच्चों ने वही गर्म करके, और ब्रेड थोड़े से ब्रेड रखे हुए थे रात को ले आई थी, सॉरी ये पहले ही रखे थे क्योंकि रात तो कोई गया ही नहीं था मार्केट। और ब्रेड और कॉफ़ी बच्चों ने यहाँ पे पी ली है नाश्ते में, क्योंकि मुझे अभी टाइम नहीं है बिल्कुल भी, साफ़ सफाई में लगी हुई हूँ क्योंकि आंधी तूफान चले थे तो पूरे घर में धूल ही धूल हो रखी है। और पूरा फ्रिज वगैरह भी साफ़ कर दिया है मैंने, अंदर से भी क्लीन करना बाकी है ये, और धूल वगैरह ज़्यादा जम जाती है तो मेरा तो किसी सामान को भी ना हाथ लगाने को मन नहीं करता जब तक मैं उसको क्लीन नहीं कर देती। फ्रिज में भी जितनी सब्ज़ी वगैरह पड़ी थी तो वो सारी निकाल के मैंने बाहर फेंक दी है, और बस खीरे थोड़े ठीक थे तो उनको मैंने फिर से धो के वॉश करके रख दिया है अंदर, और पूरे फ्रिज को साफ़ कर दिया है। और कपड़े जो धुल गए थे छोटे छोटे उनको एक एक बार मैं पानी में खंगाल के डाल दूंगी फिर से सूखने वाले ड्रायर में, तो और उसी में मैं पाइप भी उसी में लगा देती हूँ, पानी जाता रहता है और वहीं पर कपड़े सूखते भी हैं और धुलते भी रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा धुलने की ज़रूरत नहीं थी, बस थोड़ा थोड़ा ही धुलना था तो थोड़े थोड़े ही मैंने धो दिए थे। दो बार घुमाई थी मशीन धोने वाली और फिर उनको अच्छे से मैं थोड़ा थोड़ा उसमें निकाल देती हूँ ना पानी में, तो थोड़ा कम सरफ रह जाता है और आसानी से वो धुल भी जाते हैं, क्योंकि जो मेरा पाइप है पानी वाला वो थोड़ा प्रेशर कम देता है पानी का, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पहले ही धो देती हूँ थोड़े थोड़े। और अभी फ़र्श आप देख सकते हैं सारे में मैंने पानी डाल दिया था, पानी से धुलाई करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पोछे से पूरा धूल अच्छे से निकलता नहीं है, और पानी डाल दिया है पूरे फर्श पे तो वो मैंने पहले ही डाल दिया था ताकि जितनी भी गंदगी है वो फूल जाए, जो भी धूल वगैरह जम गई है फर्श पे तो वो निकल जाए। सारे में साफ़ सफाई करने के बाद मुझे मैं चली गई थी नहाने के लिए, और मुझे ये काम करते करते समथिंग 11:30 बज गए थे, और 11:30 बजे मैं नहा धो के रेडी हो गई थी, और अभी बहुत ज़्यादा भूख लगी थी इस टाइम पे मुझे, पेट में बहुत ज़्यादा चूहे दौड़ रहे थे और बच्चे भी बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो बच्चों को भी नहला दिया था सुबह ही मैंने, मैं जब धुलाई कर रही थी तो बच्चों को मैंने बोल दिया था कि बच्चों आप नहा लो, क्योंकि बच्चे नहा लेते हैं तो जो भी कपड़े वो निकाल के रखते हैं ताकि वो बाद में धुलने के लिए ना रहें, इसलिए तो कपड़े मैंने सारे धो दिए हैं, वॉश कर दिए हैं, उसके बाद ही मैं नहाई थी, और कपड़े धोने धोने में ही मुझे इतना टाइम हो गया, और अभी बहुत तेज़ से भूख लगी है। उससे पहले मैं पूरे मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाऊंगी फेस पे और हाथों पे पैरों पे, क्योंकि अभी ना क्या है बहुत ज़्यादा लू वगैरह चल रही हैं तो बहुत ज़्यादा जो बॉडी है वो ड्राई हो जाती है और ड्राइनेस हाथों पे आ जाती है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा ना पहले नहाने के बाद मॉइस्चराइज करना पड़ता है अपने हाथ पैरों को। और अभी मेरा खाना भी नहीं बना है, मुझे खाना भी बनाना है, आलू बॉइल कर लिए हैं, आलू चावल और कुछ रोटियाँ बनाऊँगी। और वेकेशन बहुत अच्छा रहा गाइस, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय हम लोगों ने वहाँ पर किया, और हर्बल लाइफ फैमिली के साथ जितने भी वेकेशन आज तक हमने किए हैं आई थिंक सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हमारी लाइफ का जो समय होता है वो वेकेशन का ही होता है, क्योंकि बहुत अच्छा लाइफ हम लोग वहाँ पे जीते हैं, बहुत अच्छा समय हमारा जाता है। लेकिन कल आते हुए पहली बार एक ऐसी ट्रेजिडी हुई हम लोगों के साथ, और हम लोगों के साथ तो नहीं हुई लेकिन जो हमारे कस्टमर हैं डाउनलाइन हैं जो हमारी अंजुम, तो उनके हस्बैंड और वो और उनके बच्चे हम लोगों ने किसी और की गाड़ी में बिठा दिए थे, तो उधर से आते टाइम वेकेशन से उनका एक्सीडेंट हो गया, तो मैंने वहाँ की वीडियो शूट नहीं की थी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आखिर मुझे करनी चाहिए थी, मैंने बाद में सोचा कि मुझे करनी चाहिए थी वीडियो शूट, लेकिन मैंने वहाँ पर इसलिए शूट नहीं की क्योंकि एक्सीडेंट काफ़ी ख़तरनाक हुआ था, गाड़ी का गाड़ी ज़्यादा डैमेज हो गई है। लेकिन अच्छी बात ये थी उसमें कि जितने सदस्य भी उसमें बैठे थे उन लोगों को बिल्कुल भी चोट नहीं आई, बहुत ज़्यादा चोट नहीं आई, आई थिंक थोड़ी थोड़ी चोटें आई हैं सबको लेकिन ज़्यादा नहीं आई है, गुम चोट सबके आई है लेकिन खुला किसका नहीं है, किसी का भी मतलब ब्लड वगैरह वहाँ पे नहीं निकला, थोड़ा बहुत बस जो अंजुम दीदी हैं उनका चूड़ी वगैरह यहाँ पर लग गई है और उनका ये चीज़ जो है यहाँ पर ठुकी गाड़ी पे। मैं दूसरी गाड़ी में थी अपने बच्चियों के साथ और उन्हें मैंने किसी और की गाड़ी में बिठा दिया था क्योंकि हमारे पास कार है नहीं बड़ी वाली,
हमने बेच दी है अपनी कार, इसलिए हम लोग उधर से ऑटो भी नहीं मिलता है इतनी जल्दी, तो हम लोग दूसरों की गाड़ियों में एडजस्ट होके तब उधर से आए थे वेकेशन से। और उधर से आते टाइम हम लोग हनुमान धाम चले गए थे, जहाँ पे कल हनुमान जी का जन्मदिन उत्सव था और वहाँ पे विशाल भंडारा था, इसलिए हम लोग वहाँ पे चले गए थे। और मेरा मन बहुत ज़्यादा था वहाँ पे जाने का, इसलिए मैं किसी और की गाड़ी में आई थी बैठ के, और उन्हें किसी और की गाड़ी में। लेकिन जैसे ही हम हनुमान धाम से निकले तो हमें कॉल आया अंजुम दीदी का कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। तो मतलब दिमाग के सारे जो जितने भी मतलब जितनी खुशी थी वेकेशन की वो सारी उड़ गई, और मतलब एकदम होश उड़ गए दिमाग के, और कुछ समझ में नहीं आया कि अब क्या होगा, कैसा एक्सीडेंट हुआ है। क्योंकि जो अंजू मैडम है उन्होंने फ़ोन कट कर दिया था मुझसे बोलने के बाद, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में आ गई थी, पता नहीं क्या हो गया, कितनी चोटें लगी होंगी, क्योंकि कार ठुकी है, कार से एक्सीडेंट हुआ है, तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा कहीं चोटें आई होंगी उन लोगों के। और जब मैं उधर से आ रही थी तो मैं मतलब एक मिनट को के लिए भी ना मुझे सुकून नहीं मिला, और मैंने रास्ते में देखती चली आई कि किधर हैं ये लोग, कहाँ पे इनका एक्सीडेंट हुआ है। तो जब हम उधर से आ रहे थे तो रास्ते में हमने देखा थोड़ी बहुत भीड़ भाड़ थी, क्योंकि जितनी भीड़ भाड़ इकट्ठी हुई थी वो सब अपने अपने घर चले गए थे, क्योंकि आने में मुझे बहुत टाइम लग गया था। काशीपुर के से पहले एक्सीडेंट उनका हुआ था, रामनगर से निकलने के बाद। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे तो गाड़ी का जो हाल था ना वो बस बहुत ही बुरा हो गया था, आगे से पूरी डैमेज हो गई थी गाड़ी, बहुत ज़ोर से ठुकी थी। मुझे नहीं पता कि कैसे ठुकी थी, लेकिन मुझे बताया अंजुम मैडम जो है उनके हस्बैंड ने कि एक बाइक वाले को बचाने के चक्कर में गाड़ी ठुक गई है। तो ये होने वाली बात थी, हो गई, लेकिन भगवान की इसमें बहुत ज़्यादा कृपा रही, बहुत उसका शुक्रिया मैं करना चाहती हूँ भगवान का कि किसी को भी बहुत ज़्यादा चोट नहीं आई है, सब सही सलामत बच गए। बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं लाख लाख धन्यवाद करती हूँ भगवान का। और गाड़ी में जो भी डैमेज हुआ है, जो भी आगे से सारी डैमेज हो गई है वैसे तो वो तो ठीक हो जाएगी, लेकिन किसी को अगर बहुत ज़्यादा चोट आ जाती, किसी की जान को नुकसान हो जाता, तो शायद हम भी अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाते, क्योंकि हमने ही उन्हें उनकी गाड़ी में उन्हें बिठाया था, इसलिए कि आराम से कार में बैठ के चले जाएंगे, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो इसीलिए। तो वेकेशन इस बार का थोड़ा ऐसा ही रहा, खुशी तो बहुत थी वेकेशन की, जैसा भी था अच्छा रहा, लेकिन जब उधर से आते हुए ये सब हुआ तो मतलब बहुत ज़्यादा घबरा गई हूँ, और एक दहशत सी बैठ गई है दिमाग में कि क्या करें, जो होना था वो तो हो गया, और वो शायद होना ही था इसीलिए, लेकिन भगवान की इसमें बहुत बड़ी कृपा रही कि किसी को चोट नहीं आई। और शाम आके ना तो मैंने खाना बनाया था, कोई ना तो खाया और ना भूख लगी मुझे बिल्कुल भी, और आके कोई साफ़ सफाई भी नहीं की, बस बिस्तर करके मैं रात सो गई थी। अब सुबह से उठ के सारे घर की मैंने अच्छे से धुलाई की है पानी से, और सारे में धूल धूल हो जाती है, जब भी मैं दो दिन के लिए भी कहीं बाहर जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा धूल वगैरह हो जाती है, धूल मिट्टी। और इधर पूरे बेड पे सारे में धूल, पूरे बिस्तर का मैंने चेंज किया है, और पूरा किचन को मैंने पानी से धोया है अच्छे से, और अभी 11:30 बजे मैं निपटी हूँ पूरे काम से, धुलाई से, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे, नाइट के अलग, स्विमिंग पूल में नहाने के अलग, जो पहन के गए थे वो, और जो सुबह को मॉर्निंग में पहने थे वो अलग, तो जो पहन के सोए थे वो अलग, तो सभी बहुत सारे कपड़े हो गए थे, दो बैग भर के लेके गए थे, तो दो बैग कपड़े मैंने अभी वॉश करके डाले, सुबह से कपड़े ही धो रही थी, वो सारे मैं धुलाई कर रही थी, बस ऐसा लग रहा था सारा घर जो है वो गंदा हो गया बहुत बुरी तरीके से। तो अब बनाऊंगी खाना, बहुत ज़ोर से भूख लगी है, पेट में दर्द हो रहा है, 12 बजने वाले हैं, मेरी बेटियाँ भी अभी बस एक एक कॉफ़ी इन्होंने पी थी सुबह ब्रेड के साथ में, तो बस ये पी के बैठी हैं, हस्बैंड भी ऐसे ही चले गए थे, उन्होंने भी ग्रीन टी पी थी, कोई शेक वगैरह नहीं पिया है, अभी उन्हें मैं फ़ोन करूँगी, पता नहीं कितनी देर में आएंगे, तो मैं फ़ोन करके बुलाती हूँ उन्हें खाना खाने के लिए, उससे पहले मैं बनाऊँगी खाना। तो गाइज बने रहिएगा ब्लॉग में, ओके। तो मैंने आलू बॉईल करने के लिए पहले ही रख दिए थे, और चावल भी निकाल लिए हैं मैंने, तो मैं बनाऊंगी यहाँ पे उबले हुए आलू और सोयाबीन की बड़ी साथ में। तो बड़ी को मैंने ना थोड़ा सा पानी में भिगो के रख दिया था, और उसके बाद मैंने इनको तेल में भून लिया है। प्याज, एक प्याज यहाँ पे मैं चॉप कर लूँगी, और थोड़ी सी जो सब्ज़ी मेरी रखी थी हरी, यानी बीन की फली वगैरह, तो वो सारी सूख गई थी, तो मैंने उनको फेंक दिया है, 2-4 मैंने यहाँ पे बीन्स की फली जो हैं वो बचा ली हैं, ताकि मैं इसे सब्ज़ी में डाल दूँगी। और ये बड़ी मैंने इसमें रोस्ट कर ली है, और इसके बाद मैंने चावल बनने को रख दिए थे, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही थी अभी, और सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, सिर्फ़ और सिर्फ पानी पी रही थी सुबह से, खाना कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि वेकेशन पे बहुत ज़्यादा हैवी फूड हो गया था, तो इसीलिए मैंने सोचा अब जो भी कैलोरी हम लोगों ने ज़्यादा वहाँ पे खाई है उसको भी मेंटेन करना है, तो इसलिए अब थोड़ा हिसाब से ही खाएंगे घर पे। और
यहाँ पे मैंने 2-3 आलू बचा लिए थे, तो उसमें मैंने आटे को गूथ लिया था, यानी आटा लगा लिया था, और आलू भी इसी के साथ ही मैंने इसमें आटे में ही मिक्स कर दिए थे। तो इसके मैं थोड़े थोड़े ऑयल लगा के थोड़ा सा, और मैं बना रही हूँ पराठे टाइप से, और ताकि मेरे बच्चे इसे अच्छे से खा लें, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है। और ये सब घर के जैसी चीज़ें तो बाहर मिलती नहीं है, खाना चाहे कितना भी अच्छा हो रेस्टोरेंट का, लेकिन घर की तो घर की ही होती है रोटी, और घर का खाना सभी को याद आता है बाहर। और रेस्टोरेंट का खाना ना एक दो दिन आप खा तो लोगे, लेकिन फिर भी घर के खाने की ही याद आती है, और मुझे भी वहाँ पे बहुत याद आ रही थी घर के खाने की, सादा चावल आलू या दाल चावल की बहुत ज़्यादा याद आती है। तो यहाँ पे मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है खाना, हस्बैंड को कॉल कर दिया था, तो वो अभी मना कर रहे थे कि उनको टाइम नहीं है, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी उन्होंने लगाई है बैंक की, तो उनके पास ज़्यादा काम इकट्ठा हो गया है, तो वो वही ख़त्म करने में लगे हुए हैं। तो मैंने उनको बोल दिया है आपका टाइम लगे तो आप आ जाइए घर पर, और नहीं आएंगे तो प्लीज़ मुझे फ़ोन कर देना, मैं उनको बोल देती हूँ पहले ही। गाइस अभी इवनिंग का टाइम है और मैं आराम करने लग गई थी, सारे कपड़े फोल्ड करके रख दिए हैं बाहर जितने भी धुले थे, 11 बजे निपटी थी गाइस, 11:30 बजे निपटी थी आज कपड़े धो धो के, और बच्चों ने कुछ तय बना के फोल्ड करके बच्चों ने रख दिए हैं, कुछ मैंने फोल्ड करके रख दिए हैं कपड़े, और अभी कुछ सूख रहे हैं बाहर। तो अभी इवनिंग का टाइम है और 6:30 बजे मेरी मीटिंग है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी ब्लॉगिंग कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिलता, और मीटिंग मेरी जो चलती है शाम को 6:30 बजे मेरा क्लब स्टार्ट हो जाता है, तो आज क्लब ऑनर मीटिंग भी है, तो 6:30 बजे मुझे वीडियो बिल्कुल ऑन करके बैठना भी होता है मीटिंग ट्रेनिंग में। और अब शाम को खाना बनेगा नहीं, क्योंकि दोपहर में खाना बना लिया था मैंने काफ़ी सारा, तो वही खाना रखा हुआ है अभी, और अब लेके आती हूँ मैं पानी, तो ग्रीन टी वगैरह तो मैं पीऊँगी नहीं, क्योंकि गर्मी ऑलरेडी बहुत है और ग्रीन टी बहुत गर्म हो जाती है मेरे लिए, तो मैं ग्रीन टी नहीं पीऊँगी। बेटा जो कपड़े अगर सूख गए हैं तो उन्हें अंदर ले आओ, है ना। देखो मेरा गिलास किधर रखा है जिसमें मैंने पानी पिया था अभी, गोल वाला। तो अभी इवनिंग का टाइम है और मैं और मेरी बेटी हम जा रहे हैं मार्केट, हमारा जो इवनिंग का फिट क्लब है वो ख़त्म हो गया था, तो उसी के बाद हमें जाना पड़ता है, क्योंकि क्लब में भी रहना बहुत ज़रूरी है। हमारे घर के बराबर में एक शादी है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से उन्होंने अपने घर को डेकोरेट कर रखा है, और ये है मार्केट, हमारे घर से थोड़ा सा ही दूर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और बहुत अच्छा लगता है। सभी लोग शाम को ही निकलते हैं मार्केट में घूमने के लिए, और अब तो रोड भी बहुत अच्छी हो गई है यहाँ की, तो और ज़्यादा निकल के आते हैं लोग घूमने के लिए। तो मैं यहाँ से लेकर जाऊँगी ढेर सारी सब्ज़ियाँ, फ्रीज में सारी सब्ज़ियाँ ख़त्म है, तो बहुत सारी सब्ज़ियाँ लेकर जानी है, दूध दही भी लेकर जाना है, क्योंकि लड्डू को दूध दही बहुत पसंद है और माखन भी पसंद है, तो माखन तो मैं एक्स्ट्रा ले जा के रखती हूँ फ्रीज में, बाकी दही और दूध डेली लेके जाना पड़ता है मुझे। और अब मैं लेके जाऊंगी हरी सब्जियां, तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।